सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम. It's a unique privilege and honor to come back to the institution where I started my education journey, a degree. Vice Chancellor sir, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much. और CGSS, Center for Global and Strategic Studies, General Jaffrey, Colonel Khalid, I don't know where he is, but you know, for bringing me back to Punjab University after 33 years. I graduated from law college before I went abroad to study politics, lekin it remains my home. To jis waqt unhone mujhe kaha Islamabad mein ki aapko law college mein jaake, to pehle unhone kaha ki Faisal auditorium mein taqreer hai, to I was, hamare zamane mein Faisal auditorium band hi rehta tha, to maine kaha, maine kaha waqai, to unhone kaha ji yahan Faisal auditorium mein taqreer karne jaake aap. And when they said ki nahi, the venue has been changed to law college, I'm not just making up the story, but I was happy. Us waqt ye auditorium yahan nahi tha. I'm happy, you know, at least that things are moving on. Ye jitni baatein aap sunni hain, towards coming towards the end, is always a very difficult task. It's because most of the things have been said, and when you are between, you know, the hope and idealism, and thank you, Basit, for being, you know, what you are. I know you as a friend for many years now. You have made my life and job easy. देखिए कश्मीर जो है वो हो सकता है हम ये क्लेम करें कि आज हमारा इशू है, बिकॉज यू सी मैनी ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन हु आर सिटिंग हियर, आई विश देयर वुड हैव बीन सम डिस्टिंग्विश्ड लेडीज हियर एज वेल, बट आई थिंक जो आप सारे लोग बैठे हैं सारे आप डिस्टिंग्विश्ड हैं. कि हो सकता है मतलब वी क्लेम दैट वी आर यू नो दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी आर ड्राइवर्स of some important institutions in this country, and whatever we do, maybe we are contributing meaningfully. But I'm more concerned that tomorrow you will take this country forward. So mere liye aap log zyada important hain, that you need to be very clear. Agar Basit ki baat ko leke aage chale to, you know, the reality which he has depicted, I think there is always a chance that we can, you know, rectify things. देखिए मुझे जो टास्क दिया गया था वो ये था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने कश्मीर को किस तरह देखा है. आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 31 इयर्स. आई हैव कवर्ड वॉर्स इन बॉस्निया कोसोवो, आई हैव कवर्ड वॉर्स इन इजराइल. द लास्ट आई वाज आई थिंक द ओनली नटकेस जर्नलिस्ट पाकिस्तानी हु लैंडेड इन इजराइल इन 2006 टू सी द इजराइल हिजबुल्ला वॉर, एंड देन यू नो सम ऑफ द टाइम वी स्पेंट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान. जंगें जो हैं वो ईजी नहीं होती. जनरल साहब ने कहा कि हो सकता है इंडिया जो है हमारे ऊपर जंग थ्रस्ट करे, ना तो ये पहली जंग होगी और हो सकता है कि आखिरी भी ना हो. इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे पास हैं इस वक्त, हमारी जो कैपेबिलिटी है उस वजह से फुल फ्लेज जंग जो है हो सकता है ना हो. बट दैट डज़ नॉट मीन कि लिमिटेड वॉर नहीं हो सकता. इस वजह से कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी मैनी डेकेड्स इज फीलिंग कॉर्नर्ड. हम लोग जो बातें करते हैं वो बातें अच्छी होती हैं लेकिन एक्शन के अंदर कमज़ोरी है. जो इस पिछले 5-7 महीनों में हमने देखा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो इम्पॉर्टेंट है बात समझने के लिए. देखें इंडिया आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है जो गांधी का इंडिया था, जो नेहरू का इंडिया था, जो इंदिरा का इंडिया था, या जो राजीव का इंडिया था. वाई? बिकॉज दीज गाइज वर ग्लोबल सिटीजन्स. दे वेंट टू ग्लोबल स्कूल्स. दे स्टडीड एट ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड यू नो उन्होंने अपने कानून की डिग्रियाँ जो हैं गांधी ने और उसके बाद नेहरू ने वो इन टेम्पल से ली थी. देवर इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़. ये हमारे लिए पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा एज है कि इंडिया को अब ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जो इंडियंस हैं. उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता था. उनकी बदमाशी और गुंडागर्दी को दुनिया पहली दफ़ा देख रही है और हमारी वजह से नहीं देख रही, वो उनकी ज़िल्लतों की वजह से देख रही है. That is the first cause when newspapers like New York Times, वो हमारे कहने पर तो editorial नहीं लिख रहे, Washington Post या Los, you know, Wall Street Journal या I have worked for 4 years in BBC mainframe के अंदर and उन्होंने पागलों की तरह हमें दुनिया में फैलाए रखा है. News stories जो हैं वो किसी के कहने पर नहीं बनती. News stories इसलिए बनती हैं कि वो हो रही होती हैं. जो कुछ इंडिया अब कर रहा है उसके अंदर हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है. आई नो एंड अंडरस्टैंड जो इंडिया ने इस वक्त सबसे बड़ा जेल दुनिया में क्रिएट किया है
कश्मीर को बंद करके। मुझे याद है कि मैं CNN की एक कॉरेस्पॉन्डेंट को रिश्वत दे के गाज़ा के अंदर घुसा था, क्योंकि मुझे गाज़ा में और वेस्ट बैंक में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये दुनिया सारी की सारी पब्लिक रिलेशनिंग है, आप किसको जानते हैं और कैसे जानते हैं। अगर आपके उनके साथ उनकी दोस्तियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल उसी तरह हल हो जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान में टेलीफोन कॉल्स पर हो जाते हैं। उसके लिए हो सकता है मैं कायदे आज़म की तस्वीर वाला एक कागज़ इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन वहाँ पर यही हुआ था कि मेरी जो फिक्सर थी, मैंने उसको कहा आई नीड टू गो टू गाज़ा एंड आई नीड टू गो बिकॉज देर माइट नॉट बी अ पॉसिबिलिटी फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टू एंटर इज़राइल अगेन। तो उसने कहा कि ठीक है, आज की दिहाड़ी का तो मुझे $200 दे रहे, उस दिहाड़ी का $300 लूँगी। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहा तुमने कहा $1000 मेरे पास है नहीं इतने पैसे। एंड उसने कहा गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, तुम्हें बोलना बोलना कोई नहीं है, तुम्हारा रंग भी हमारी तरह ही है, यहूदी भी हमारी तरह के हैं, बहुत सारे ब्लड मिक्सिंग हुई हुई है अपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन ज्यूज़ जो है। एंड शी टुक मी इनटू यू नो गाज़ा। यकीन करें उस वक्त मुझे इसी तरह की फीलिंग हुई है जिस वक्त मैं गाज़ा के बॉर्डर पर गया, समुंदर खुला हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा मैं कि जो लाइट्स नज़र आती हैं क्या हैं, मतलब ये फिशिंग करने गए हैं पैलेस्टीनियंस? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसराइली गन बोट्स हैं, वो बस उतना सा फासला है, यहीं पे मछलियाँ पकड़ सकते हैं, उसे आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। और अगर आपने सब्जियाँ लेने के लिए निकलना है तो जो गारें हैं जो उन्होंने खोदी हुई हैं जाने के लिए इजिप्ट की तरफ, ठीक है ना। आई ट्राइड, आई कुड नॉट, आई फेल्ट क्लास्ट्रोफोबिक, केम आउट, ठीक है ना। मैं तो फौजी नहीं हूँ, लेकिन वो लोग जो वहाँ देख रहे हैं, लेकिन जो अब इंडिया कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है पैलेस्टाइन के साथ, आई एम सॉरी। इस वजह से जिस तरह अभी बासित ने भी कहा, देखें वो तमाम लड़के लड़कियाँ जो अब मर्द और औरतें हैं कश्मीर के अंदर जो 1991 के बाद पैदा हुए हैं, जितनी जिल्लत और जबर उन्होंने देखा है, उनसे ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो इंडिया की डेवलपमेंट की वादे और बॉलीवुड की दोबारा फिल्में बनने के वादे और होटल और इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ आने के वादे, इसके ऊपर बहल जाएंगे? नो। इस वजह से कि अगर फर्ज किया, जिस तरह इमरान खान जो है, मैं उसको पॉलिटिकली तो सपोर्ट नहीं करता, ही वॉज माई ओनली क्रिकेटिंग हीरो एंड ही विल रिमेन माई ओनली क्रिकेटिंग हीरो, पॉलिटिक्स जो है इट कैन कम एंड गो, बट थिंक द वे ही सेड कि अगर ये मेरे ख़ानदान के साथ भी होगा तो दो दफ़ा तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि मैंने सिर्फ अच्छी बातें करनी है या मैंने बंदूक उठा लेनी है, इसलिए कि हो सकता है मैं कल बंदूक ना भी उठाऊँ और मारा जाऊँ। तो फिर जब हम मिसालें देंगे टीपू सुल्तान की कि एक दिन बेहतर होता है 100 साल से, तो वी हैव टू लिव दैट वन डे। और ये जो मीडिया के अंदर इस वक्त हो रहा है वहाँ पे, वो लोग मैं बता रहा हूँ ओपनली ये कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जिसकी अच्छी बातें, उसकी 5000 साल की लिविंग हिस्ट्री और उसका कल्चर और ये वो। इस वजह से कि अगर अब हमारी एक और होप जो है वो इंडिया के अंदर है, सारा इंडिया मोदी के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये कल उनका जो एक मतलब बहुत नोन आदमी है इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट अमृतिया सेन, उसने कहा ये फैलेसी अगर आप सोचते हैं कि सारा का सारा इंडिया मोदी की तरह सोचता है, ही इज़ ए नट केस, ही इज़ ए मैड मैन। ना उसने अपना घर चलाया है, ना उसने अपनी बीवी को जो है खुश रखा है, उसके साथ रहा है, ना अपनी माँ को, पता नहीं किस किस्म का आवारा आदमी जो बचपन से निकल गया फिरता हुआ, ठीक है ना। और ना उसकी कोई बेटी है, ना उसका कोई बेटा है। अगर उसकी बेटी होती और वो सिक्योरिटी फोर्सेस से रेप होती और सिक्योरिटी फोर्सेस से उसका बच्चा कत्ल होता, उसकी लाश फेंक गया होते सड़क पे, तो फिर मैं पूछता इस मोदी से कि कश्मीर इंपॉर्टेंट है या कश्मीरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उसने ये कमीने ने ये चीज़ें देखी नहीं है, इस वजह से ही कैन नॉट। एंड आई हैव सेड नॉट यहाँ पे, आई स्पीक अभी अगले हफ्ते मुझे कहीं और बोलना है, फिर उसके अगले हफ्ते कहीं और बोलना है, एंड आई सेड ओपनली टू द इंडियंस कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं आप ना माने, हो सकता है हमने झूठे फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाए हों कि आपने 1 लाख लोगों को मार दिया, हम ये झूठे फिगर बनाए हुए हैं कि 40,000 औरतें रेप हो गई हैं, एक औरत रेप हुई है, लेकिन कंसिडर कर लें कि वो आपकी बेटी थी। अब मुझे बताएं कि व्हाट डू यू फील अबाउट द 900,000 इंडियंस हु आर बेस्ड इन कश्मीर। एक लड़का कत्ल हुआ है, वो आपका बेटा था, अकेला लड़का था, ट्राई टू फील दैट। उनके अल्फाज नहीं निकलते फिर। मैंने कहा जिस वक्त तक आप कश्मीरियों को कश्मीरी कहेंगे तो फिर देन देयर इज अ डिस्कनेक्ट, इसका मतलब वो इंडियन नहीं है, आप उनको खुद इंडियन नहीं समझते, वो आपके लिए कश्मीरी हैं। कश्मीरी अपने आप को इंडियंस नहीं कहते, दे कॉल देम सेल्फ कश्मीरीज, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है हम यहाँ ना हो। कश्मीर जो है
वो इंडिया का नहीं रहेगा, वो कश्मीर कश्मीरियों का ही होगा। और जहाँ तक एक और चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ किया कि इस वक्त अगर इंडिया मार्केट है, उनको डर सिर्फ दुनिया का इसलिए है कि मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आई माइट बी एक्सट्रीमली रॉन्ग, कि इंटरनेशनल मीडिया इसलिए भी इन्वॉल्व है कि जो 420 का वैसे फिगर जो है बड़ा अजीब गरीब सा होता है, लेकिन 420 मिलियन इंडियन जो है उसके पास अब खर्चने के लिए पैसे हैं। वो मैकडोनल्ड खा सकता है, वो KFC खा सकता है, वो रेनो या BMW या मर्सिडीज़ खरीद सकता है। तो ये जो सारी मार्केट है ये यूरोप की कंप्लीट मार्केट से बड़ी मार्केट है, एंड दैट इज़ व्हाई एवरीबॉडी इज़ रनिंग टू इंडिया। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 770 मिलियन ऐसे इंडियन भी हैं जिनके पास जाने के लिए टॉयलेट नहीं है, दे विल रिमेन मार्केट। हमें ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे ईस्ट साइड के ऊपर ये जो नया ब्लॉक है हमारी मर्जी से नहीं उठ रहा, वो अपनी मेहनत से उठ रहा है, वी मस्ट गिव दैट क्रेडिट टू देम एज वेल। लॉन्ग टाइम आई कॉल इन अ BBC प्रोग्राम, आई कॉल दिस चिंडिया ब्लॉक, द चाइना एंड इंडिया टुगेदर। वी नीड टू मेक अ डिसीजन नाउ कि जब ये लोग सुपर पावर बन जाएंगे तो हमने इनके साथ एक गरीब जो है खोखे चलाने वाले इकोनॉमी के तौर पर रहना है, या वी नीड टू कम्पीट विद देम, विल वी कनेक्ट विद देम और नॉट। इस वजह से कि जो सारी बातें जो चल रही हैं, ये जो 70 साल की एक दास्तान है जबर की और झूठ की, ये दास्तान हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता चूँकि दुनिया इसको डिस्कस कर रही है, यकीन करें आप, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग जो हैं वो सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं टुडे, मतलब आजकल दिन जो है वो स्मार्टफोन्स के हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट आप सारे लोगों को कि गो बियॉन्ड हैविंग अ स्मार्टफोन, ट्राई टू बी स्मार्ट योर सेल्फ, नो व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग, नो द वर्ल्ड व्हाट इज डूइंग अबाउट यू। तो अगर फ़र्ज़ किया हम ये खुश हो जाएं कि आज इस अखबार ने अच्छा एडिटोरियल लिख दिया कश्मीरियों के लिए, वो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा एडिटोरियल नहीं लिख रहे, यू नो, अनलेस वी आर स्ट्रांग, अनलेस वी आर परफॉर्मिंग। एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, इन कॉलीग्स हैव सेड द सेम थिंग कि जिस वक्त तक सिर्फ बातें करने से जो है ना, या जंग करने से, वी हैव टू लिव, वी डोंट एक्चुअली हैव टू डाई लड़ते हुए इन लोगों से, वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू पास ऑन दिस फ्यूचर कि आप लोग जो हैं जिस जगह पर आज हम हैं, कल को आपने हमारी जगह लेनी है, फिर उसके बाद आपके बच्चे लेंगे, ठीक है ना। वी हैव टू बी कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो है, मेरा ख्याल है कि जज्बातीपन अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत है कि जो है हम अपने जो नैरेटिव्स हैं उनको चेंज करें। बहुत अरसे तक जैसे व्हेन आई वाज यू नो एज अ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन यू नो जो स्टूडेंट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते थे, बड़ी हमारी ख्वाहिश होती थी कि कैनेड कॉलेज के अंदर जाकर तकरीरें करें, ठीक है ना। अब भी हो सकता है जो लोग तकरीरें करते होंगे जाते चाहते होंगे कैनेड कॉलेज में या लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में जाके या कहीं और, लेकिन मैं आपको बताऊँ जिस वक्त आप जाके बात करते हैं कि पाकिस्तान, उस वक्त हम इस्तेमाल करते थे इसके टाइम समझ नहीं आती पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आज जब हम सोचते हैं मैंने कहा नहीं नहीं, दीज टर्म्स शुड नॉट बी यूज्ड। किला एक बंद बिल्डिंग होती है और हिस्ट्री ने हमें सिखाया कि किले जो हैं या भूख और नंग की वजह से खुल जाते हैं, या दुश्मन जो है अपनी स्किल के जरिए उनको स्केल करके अंदर घुस जाता है। आज की दुनिया ग्लोबल दुनिया है, आज की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए कल को दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। और फिर जिस तरह यू नो अगर फ़र्ज़ किया बाहर के अखबार आपके बारे में नहीं भी लिखते, तो अब तो आप ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, मूव ट्रेवल टॉक टू पीपल, 10-10 लोगों के ब्लॉग्स बना के व्हाट डू दे थिंक अबाउट कश्मीर, ठीक है ना, उसमें से बेशक जज्बातीपन निकाल दें। इस वजह से कि एनी थिंग विच इज़ वेरीफाइबल एंड विच इज़ फैक्ट, इट विल हैव द पावर टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। लोगों के साथ जुड़ें, हुकूमतें आपकी बात नहीं सुनेंगी, लोग सुनेंगे। इस वजह से कि सारी दुनिया के अंदर मैं तकरीबन कोई 90 मुल्कों में फिर चुका हूँ, यकीन करें सारे लोग एक तरह की बातें सोचते हैं, एक तरह की बातें करते हैं, उनके लिए अपना इंटरेस्ट, अपने बच्चों का इंटरेस्ट जो है इट रिमेन सुप्रीम, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। बट इफ़ यू कनेक्ट विद देम, इफ़ यू लुक लाइक देम एंड देन यू टेल देम कि ये देखें ये क्या हो रहा है, इंडिया कहता कुछ और है, हो सकता है जो लोग डेमोक्रेसी नहीं है वो बात ना सुने, लेकिन अभी भी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ वोट के जरिए हुकूमतें बनती हैं, वोट के जरिए हुकूमतें टूटती हैं, वहाँ दूसरे लोग जो हैं वो हुकूमतों को खुद अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं करते। वहाँ पर एक एक आदमी का एक एक लेटर अपने MP को, अपने सेनेटर को, अपने हाउस ऑफ लॉर्ड के मेम्बर को मैटर करता है।
एंड देन अगर फ़र्ज़ किया 20 लोग, बहुत बड़ी बात है, मैं पाकिस्तानी जितने हैं नॉर्वे से लेके स्पेन तक यूरोप के अंदर उनके साथ उठा बैठा हूँ, यकीन करें अब वो लोग आस्ते आस्ते पार्लियामेंट्स में जाने शुरू हो गए। एंड वेन वी कनेक्ट विद देम, हमारे कहने के ऊपर वो फंक्शन करते हैं, हज़ारों लोगों के जलूस जलसे निकाल देते हैं। हमें सिर्फ यहाँ बैठ के खुश नहीं होना चाहिए। और ये जो आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, जिस तरह बासित ने बात शुरू की थी एक शेर से, कि देखिए पाकिस्तान की जो हालत है वो मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं। कल को आप पाकिस्तान को जब हिट करेंगे ना, जब आपको जॉब मार्केट के अंदर जो है नौकरी तलाश करनी होगी, आई विश के हालात उस वक्त तक बेहतर हो जाए। फिलहाल तो आजकल हम नौकर लोगों को निकाल रहे हैं नौकरियों से, आई एम सॉरी, अभी रिसेंटली हमने खुद जो है वो 1300 बंदों को फारिग किया है। आई डोंट नो वो बाकी नौकरियाँ कब आएँगी, लेकिन एक शेर था किसी ज़माने में कि कहीं गिरूँगा तो कर लूँगा अपने ज़ख्म शुमार, कहीं गिरूँगा तो कर लूँगा अपने ज़ख्म शुमार, मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ लेकिन अभी उड़ान में हूँ। और आखिरी सिर्फ एक स्पेशल जो है वो ट्रिब्यूट जिस बच्ची ने किरत की थी, आई वॉज हैप्पी कि उस बच्ची को जो है वो उसने तजवीद पढ़ी हुई है, उसको ये पता होगा कि अक्सा हल्क क्या होता है, अदना हल्क क्या होता है, कहाँ से कौन से मखारिज आवाज़ निकालनी, अमेजिंग माशाल्लाह उसने पढ़ा। जिन्होंने नात पढ़ी थी वो यहाँ नहीं है, ही रिमाइंडेड मी ऑफ हबीब अली मोहम्मद, क्योंकि नात बड़ी अच्छी पढ़ी है, तर्ज जो है वो किसी ज़माने में हमने टेलीविज़न पर बहादुर शाह ज़फ़र की एक जो गज़ल थी, लगता नहीं ये जी मेरा उजड़े दयार में, तो आज जाके दोबारा उसको सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।